वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। ओए होए, आजकल बच्चे बड़े खुश हैं, छुट्टियां चल रही हैं। स्पेशली वैसे बच्चे मेरे जैसे जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ। अच्छा आप देख लो, जो बच्चे होशियार होते हैं पढ़ाई में, हाँ, जो दूध बादाम वाले बच्चे होते हैं, हाँ, वो तो सुबह बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। मेरे जैसे होते ना जो बासी भिंडी के साथ पराठा खा के सुबह दिल भी नहीं करता, होमवर्क भी नहीं किया होता उनका, सुबह उठते एक्सप्रेशन ऐसे होते। सुबह उठते ही माँ बाप को ये धीरे धीरे ना बिल्डअप करते हैं, यहाँ से शुरू होता है फिर। अच्छा जब वो चीख चिहाड़ा डालता है वो कैसे करता है करके जो के आ, उनको घसीट के बाथरूम तक लेके जाना। मैं नहीं बेटे नहा चले, मेरे पेट दर्द हो रहा है। फिर माँ हाथ लग रही मेरी। अच्छा मुझे पता होता तू कान ना टन करेगा, मुझे पता है। ऐसे बच्चे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाथ ऐसे गलत जाके यूनिफॉर्म ना पहनाए। हाँ। बाप हाथ पकड़ता है, हाँ। मां टांगे पकड़ती निक्कर चढ़ाती है, हाँ। बड़ी मुश्किल से ऐसे बच्चे को, फिर जिद्दी बच्चा होता है ना टांगे चलाता है, हाँ। फिर एक हाथ बाप के मुंह पे भी लग जाती है, हाँ। बाप दुखी कि जिसने पैदा किया वो भी मारती है और जिसको पैदा किया ये भी मारता, मैं दुनिया में मार खाने आया। फिर माँ तो उसमें बोलती मैंने तेरे बाप को सीधा कर दू, तू क्या क्या है। जैसे बच्चा सीधा था शर्ट बना देते हैं। स्कूल की बस आती तो उसको बताना भी नहीं अपने दोस्तों को कि मैं रो रहा था, फिर अपने एक्सप्रेशन रोकता है। बड़े दुखी होके जाते बच्चे। अच्छा कई बच्चे ज्यादा बोलते हैं ना जब लड़के, तो उनको पनिशमेंट मिलती है कि लड़कियों के बीच बिठा दो, तो फिर सारे लेक्चर में शर्माते रहते हैं। हाँ। ये दिनेश है ना, इसको पता चला कि ये वाली पनिशमेंट है, ये जानबूझ के बोलने लगा। टीचर ने पनिशमेंट बदल दी, उसने 6 घंटे धूप में खड़ा कर दिया इसको। अब देख लो मुंह पे विटामिन डी लेके घूम रहा है। लड़कियों में बैठना पनिशमेंट है? नहीं नहीं स्कूल में लगता था, अब तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने तो ये पनिशमेंट कह के ली हुई है। अच्छा हमारे शमशेर भाई ना उनके बेटे को ना कंजक्टिवाइटिस हो गया, कहता देखो ये बच्चे को ना ऐसे आंखें खराब हो गई हैं, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो आप इसे स्कूल मत भेजिएगा। कहते तो आप इस पे फीवर लिख देंगे? कहते नहीं नहीं फीवर क्यों लिखना है, हुआ ही नहीं फीवर तो क्यों, कंजक्टिवाइटिस। नहीं नहीं वो तो ठीक है, बच्चे के स्कूल में एप्लीकेशन भी तो भेजनी है ना, तो फिर कंजक्टिवाइटिस कैसे स्पेलिंग वगैरह, तो आप फीवर लिख दो। अच्छा गांव के स्कूल जो होते हैं ना, बच्चों को समझाया कम जाता है, रट्टा ज्यादा लगाया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग मतलब जा रही हूँ, आएंगे तो आई एन जी लगाएंगे, तो बच्चे रट्टा भी ऐसे लगाते हैं, जा रहा हूँ आएंगे आई एन जी लगाएंगे। अच्छा जो बच्चे ना होमवर्क करके आते ना उनमें कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, टीचर पूछता ना कौन कौन होमवर्क करके आया, तो मेरे जैसे जिन्होंने नहीं किया होता वो फिर हाथ भी इतना सही खड़ा करते हैं, मुंह भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इनको लगता है कि टीचर को पता नहीं चलता, सबसे पहले इन्हीं को बुलाते हैं, फिर इधर आओ, फिर पहुंचने से पहले इतनी देर में एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जो हाथ इतना खड़ा किया था अपने आप ऐसे चले जाता था, अब तो खैर मारनी पड़ती, अब पहले ऐसे चले जाता। अभी टीचर ने मारा, हाय मम्मी। अरे टीचर भी ना बड़े कंफ्यूज कर देते बच्चों को, हाथ दिखा के ना हाथ मार इधर देते थे। बड़ी ड्रामेबाजी होती थी। अच्छा हमारे स्कूल में ना ऐसे हमारे टीचर जो थे ब्लैक बोर्ड की तरह मुंह करा के ना पांच बच्चों को, जैसे जो पांच बच्चे जिन्होंने काम नहीं किया उनको इधर खड़ा कर देते थे। पहले नंबर वाले को पढ़ रहे ना तो पांच पीछे भी नहीं देखने देते। तो जैसे ही पहले वाले को पढ़े ना ठक। अच्छा पांच बजे तक आते आते अगर बेल हो गई तो उसको थोड़ा सा सुकून मिलता था कि चलो मैं रह जाऊंगा आज, पर कई मास्टर बड़े पक्के होते थे वो ले जाते थे साथ, चल तेरे को तो रास्ते में जाते जाते पीटूंगा। कुछ टीचर बच्चों को पूछते ना, खड़े हो जाओ बेटे बताओ औरंगजेब भारत कब आया था, जिनको पता वो तो फटाफट बता देते हैं। अच्छा जिनको नहीं पता ना वो थोड़ा टाइम पास करते हैं कि मार पड़ने थोड़ा लेट पड़े, क्वेश्चन रिपीट करने लगते हैं।
औरंगजेब कब आया था? आया तो था। कब आया था? फिर इनका वही होता है। अच्छा, बच्चों की लड़ाइयां बड़ी अजीब होती हैं, बड़े क्यूट क्यूट लड़ाइयां होती ना। कोई बच्चा किसी को बोल देना तू कुत्ता, तो आगे से जवाब भी बड़े क्यूट होते हैं। जो बोलता है वही होता है। अगर कोई मुंह चिढ़ा देना तो चिढ़ाता है, उसी का मुंह ऐसा होता है। कई बार ना माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं, मतलब स्कूल जाने के लिए तुम्हें साइकिल चाहिए, तुम्हें तुम्हारी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, तुम्हें साइकिल चाहिए। तो आपकी उम्र में भी तो प्रधानमंत्री बन गए थे, पापा बन के बैठे हुए हो। अच्छा, बचपन की बड़ी प्यारी प्यारी यादें होती, मैं ऐसे अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, बचपन की ऐसी कौन सी चीजें जिनको आप मिस करते हैं? यार तू क्यों, आज तू बंदा मत कर यार, आज तू कपिल शर्मा बहुत फॉर्म में है यार, तू जब भी डाल यार, एक मिनट, क्या बात है, तेरा कोई जवाब नहीं। छा गया बगैर बादलों कपिल शर्मा, ठोको यार ठोको। कौन मेरे दोस्त हैं जो बचपन को मिस करते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मिस करते हैं? जी मैम, मैंने बचपन में बहुत पतंग उड़ाया है। अच्छा, और पेच लड़ाया है। अच्छा, वो मैं मिस करती हूँ। पेच किनके साथ लड़ाया, मतलब आजू बाजू वालों? अच्छा, के साथ। हाँ, मतलब। और एक बचपन की शरारत मेरे साथ है जी। मेरे बाजू में लोग रहते थे, उनके अमरूद की पेड़ थी। अच्छा जी। तो वो सारा अमरूद लोग खा लिया, लेकिन एक अमरूद को वो उसमें कपड़ा बांध के रखे थे कि उनका बेटा बाहर रहता था कि वो खाएगा। अच्छा। और एकदम गर्मी की रात थी। अमरूद को कपड़े कौन पहनाता है? नहीं, वो बंद है ना, चिड़ी चुड़ी कोई ना खाए। अच्छा, तो मैं जब देखी कि सारे घर वाले सो गए हैं, तो मैं उठी, मेरी मम्मा ने मुझे दो चुटिया बना के रखी थी, नीला फ्रॉक पहनी थी मैं। अच्छा। तो मैं गई, धीरे से अमरूद चुरा ली। अच्छा। चुरा के जब मैं भागी तो मेरे बाजू में एक लड़का रहता था, उसका नाम टुन्ना जी है, उसने अच्छा। बोला रीना ने चुराया, रीना ने चुराया। फिर? जिसके घर था वो पूछी रीना क्या पहनी थी, तो रीना नीला कुर्ता पहनी थी और दो चुटिया बांधी थी। अच्छा। मैं जैसे सुनी मैं दोनों चुटिया खोल दी और अपना वाइट पहन ली। अच्छा। तो सब लोग बोला नहीं नहीं रीना, तो दूसरा कपड़ा पहनी। इतनी मेहनत की अमरूद खरीद के खा लेती? नहीं ना, वो अभी ज्यादा टेस्ट था। वो बचपन में उसका मजा आता है। वो बाजू वाले के अमरूद में ज्यादा टेस्ट था कि वो, क्योंकि वो हमको मिला नहीं था। जी जी। लेकिन ये बात तो मेरी माँ को पता था कि ये तो ब्लू कुर्ता पहनी थी और दो चुटिया बांधी थी। अच्छा। तो उसने मेरा चुटिया अच्छा से घींचा। अच्छा। और अमरूद खा, और अमरूद खा। अच्छा। तो मुझे लगा चुटिया पड़ गया थी, आधा अमरूद मुझे भी दे। पर यही चीजें होती जो आदमी मिस करता है बचपन की। और क्या, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए मैम, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? यस मैम। हाँ, हम लोग सब जॉइंट फैमिली में थे। अच्छा जी। तो एक बार सब आपस में लड़ाई हो रही थी, हम लोगों को दोपहर में रूम में बंद कर दिया गया सबको। घर वाले कर देते थे बंद? घर वाले बंद कर देते थे कि तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, रूम के अंदर चाहे जितना लड़ो, बाहर किसी को डिस्टर्ब मत करो, खाना अच्छा। नहीं मिलेगा। तो वो रूम में बंद कर दिया गया हमको, और वहाँ पर अभी खाने को नहीं मिलना, सबको पता था कि पनिशमेंट तो यही है। तो उन लोगों ने बड़ा सा तरबूज लेकर के रखा हुआ था, और वो तरबूज चेक करने के लिए कट करते ना वो, कि रेड है कि नहीं है जी। तो वो कट किया हुआ तरबूज रखा हुआ था, अभी हम सब छोटे छोटे थे, तो वो रूम के अंदर हम लोगों ने वो उस जगह से ही पूरा तरबूज खा करके वापस उसको ढाक करके और उसी जगह पर रख दिया। तो शाम को पेरेंट्स सब बहुत कि अरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, सबको खाना पीना दिया गया, फिर जब तरबूज काटा गया तो फिर से वापस से धुनाई की, ये तरबूज गया कहाँ, पूरा आपके घर वाले तरबूज के लिए धुनाई करते थे, इतना जुल्म हुआ आपके ऊपर। तुम लोग इतनी शैतानी क्यों करते हो? अच्छा। वो शैतानियों के लिए कि एक शैतानी के बाद उसकी पनिशमेंट के बजाय तुम लोग वापस उसको एंजॉय कर रहे हो। पूरे बचपन में आपको तरबूज ही याद है बस। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। और कोई हमारे दोस्त? जी, जैसे आप हंसने में हंसाने में माहिर हैं, लेकिन आपका शौक है जो गाना है जी। सिद्धू साहब जिनका बिजनेस जो है ये है, लेकिन इनका शौक है जो वो पॉलिटिक्स है जी। तो मैं चाहूँगा एक मैं गाने दे कुछ बोल तुम जे के बोल के तो डांस करके दस सका। जी जरूर, जी जरूर। वेलकम। हाँ जी। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या,
और भला सच है क्या, सब सच है, जिंदगी पागल है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या और भला सच है क्या। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू पाजी, थैंक यू पाजी। आज हमारे शो पे दो दो सरकारें हो जाएंगी, एक सरकार आपकी तो है ही, दूसरी एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म आ रही है जिसका नाम है इंदु सरकार। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनके खूबसूरत कलाकारों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम वेरी चार्मिंग हैंडसम मिस्टर नील नितिन मुकेश एंड वेरी ब्यूटीफुल कीर्ति कुल्हारी। नील कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आपके आने से पहले आपके दादाजी लेजेंडरी सिंगर मुकेश साहब का गाना सर हमें सुना रहे थे, तो आज देखिए सौभाग्य से आपने जिनका गाना गाया ये उन्हीं के पोते हैं। नील और कीर्ति दोनों हमारे शो पे पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अपनी अदाकारी से राज़े दिल खोल जाते हैं। वाह क्या बात। ये अल्फाजों से नहीं इशारों से बोल जाते हैं। थैंक यू। वाह। बुझी हुई राख बदलती है शोलों में, पर जब जागती है जनता सरकारों के सिंहासन डोल जाते। कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। इनकी मूवी का ट्रेलर मैंने देखा, इंदु सरकार का, बहुत ही दमदार रोल आप लोगों ने निभाए हैं। आप प्लीज बताएंगे कि आपकी फिल्म किस बारे में है? फिल्म इमरजेंसी के बैकड्रॉप में है, 1975 की कहानी है, पीरियड फिल्म है। मैं इंदु सरकार का किरदार प्ले कर रही हूँ फिल्म में, और शी लॉस्ट हर पेरेंट्स जब वो बहुत छोटी थी, तो उसे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। बड़ी होके सिर्फ एक मकसद है उसकी ज़िंदगी का कि वो शादी करना चाहती है और एक अच्छी बीवी बनना चाहती है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसके और उसके पति के बीच, जहाँ से चलते चलते उसकी ज़िंदगी जो उसने बहुत संभाल के बहुत प्यार से बनाई थी वो बिखरनी शुरू होती है, और उस बिखराव में सब कुछ तो बिखर जाता है लेकिन इंदु सरकार अपने आप को पा जाती है, अपनी आवाज़ को पा जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, नील का पूरा नाम मैं बताऊँ, नील नितिन मुकेश चंद माथुर। नील, जब आप एग्जाम में अपना नाम लिखते होंगे जी, उतनी देर में बाकी बच्चे तो पूरा पेपर दे देते होंगे। बड़ा खूबसूरत नाम है नील, किन्होंने रखा था ये आपका नाम? मेरे नाम को एक्चुअली मेरे पिताजी ने चुना। अच्छा जी। मगर कई नाम थे, अक्षर था न, तो न के साथ कई नाम आए थे, निखिल था, नील था, नीरज था। तो लता दीदी आई थी घर पे। अच्छा जी। नामकरण के दिन पे, और उन्होंने कहा कि अंग्रेज का बच्चा दिखता है तो अंग्रेजों वाला नाम होना चाहिए, तो नील रखा गया, और इसलिए नील का स्पेलिंग भी एन ई आई एल था जी। तो स्कूल में जो है नाम बहुत छोटा था, नील माथुर। ओके। वो जब मैं फिल्मों में आया तब मेरा नाम थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है जो मेरे पिताजी ने मेरे दादू के गुजरने के बाद अपना ली थी जी। क्योंकि उन्हें लगा कि अपने पिताजी का नाम अगर वो अपने साथ जोड़ के रखें तो उनकी यादें जोड़ पाएंगे। तो एक बेटे और एक पोते के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं मेरे पिताजी और मेरे दादू का नाम लेके कोशिश करूं कि आप लोगों के साथ। बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा, फिल्म में नील का जो किरदार है वो ऐसा किरदार पा रही जो किसी की नहीं सुनता, हालांकि अब इनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, एक शादीशुदा आदमी होने के नाते जी, एक ऐसा किरदार निभाना जो किसी की नहीं सुनता, कितना डिफिकल्ट होता है ये? मेरे ख्याल से शादी के बाद ये किरदार निभाना थोड़ा आसान हो गया। कैसे? क्योंकि शादी के बाद घर पे तो कोई वैसे ही नहीं सुनता जी, तो कम से कम सेट पे अगर ऐसा किरदार निभा सकूं जो किसी की नहीं सुनता हो तो एक मन को शांति मिलती है। हाँ, मन को शांति मिलती है कि कहीं तो मैं अपना ठोस जमा सकता हूँ, घर पे तो नहीं चलती। आपने गेटअप भी बड़ा कमाल का लिया सर उसमें। जी, थैंक यू। बड़ा ही कमाल का किरदार इनका लग रहा है,
और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भाजी नील और रणबीर कपूर जो हैं एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं, रणबीर भी सिद्धू सर के बड़े फेवरेट हैं। आपके कॉलेज में सिर्फ हैंडसम लड़कों को एडमिशन मिलता है? सर एडमिशन के बाद ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने भी हैंडसम लड़के थे वो कॉलेज के अंदर नहीं बाहर पढ़ते थे। अरे वो दावे के साथ कह सकता हूँ। तो रणबीर और मैं दोनों कॉलेज के बाहर ही मिला करते थे और बाहर ही गाड़ियों में बैठ के हम लोग गपशप करते थे। दोनों आपस में के अलग अलग गाड़ियों में? और नहीं नहीं, काफी बड़ा गैंग था। अच्छा, काफी गुड लुकिंग लड़के और लड़कियां थी, तो जाहिर सी बात है कि काफी गाड़ियां उस समय थी। और एक कैंटीन वाला भी था। अच्छा, पाव भाजी वाला, चाइनीज स्टॉल वाला। तो सारी जो पढ़ाई लिखाई है, और आपको देख के लगता नहीं आपने कभी पाव भाजी वगैरह ऐसी चीजें खाई हो? ऐसे लगता है डायमंड खा, वो ऐसे रोस्टेड आलमंड और कुछ महंगी महंगी विदेशी सब्जियां खाते होंगे। लेकिन डायमंड कहाँ से खाते होंगे? नहीं, मैंने आलमंड बोलना था, डायमंड निकल गया। वो चमक इतना रहे, मैं क्या करूं। अच्छा, आपके कॉलेज में तो टॉस होता होगा ना, कि ब्राउन बालों वाला लड़का मेरा और काले बालों वाला तेरा। वेल, अगर होता हो तो उस टॉस के बारे में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अब नील अभी आप ठीक है, चलो शादी हो गई, लेकिन कॉलेज स्कूल में तो सब सही सही बताना, काफी गर्लफ्रेंड रही होंगी आपकी? नो सर, आई वेल ऑल आई कैन से इज आई वाज लव्ड अ लॉट, सो मैं बहुत यू नो बहुत लोगों ने मुझे बहुत प्यार इज्जत दी है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अब वक्त है फिल्म इंदु सरकार के डायरेक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर मधुर भंडारकर एंड द किंग ऑफ डिस्को मिस्टर भप्पी लारी। सिद्धू भाई नमस्कार। सिद्धू भाई नमस्कार, वेलकम। आइए आइए भप्पीदा, मधुर सर जोरदार तालियां एक बार इनके लिए, आइए सर। अच्छा भप्पीदा, जब भी आए ना हमें आदत है आई एम अ डिस्को डांसर एंट्री लेते हुए, आज एक कवाली पे इन्होंने एंट्री ली है बिकॉज इनकी फिल्म में भी ये है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुर सर, भप्पीदा, थैंक यू। मैंने ऐसा सुना ही है पाजी कि भप्पीदा जिस भी फिल्म में म्यूजिक देते हैं ना, उस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं वो इनका नाम लेके बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक वाले दे भी देते हैं, 5-10 करोड़ लोन दे दो, 12-14 करोड़ तो गले में पहन के घूमते हैं। मधुर सर, आई लव योर जोक, आई लव यू भप्पीदा, फैंटास्टिक, मजा आता है बापरे। अच्छा मधुर सर ने एक स्पेशल गाने के लिए भप्पीदा को रिक्वेस्ट की, तो मधुर सर उसके पीछे क्या रीजन था, वो गाना भप्पीदा ही क्यों? वो इसलिए था कि अन्नू साहब जो हमारे म्यूजिक कंपोजर है जी, और हम लोग चाहते थे एक ट्रिब्यूट जो है वो आरडी बर्मन साहब को दे, कि मैं पंचम दा का बड़ा फैन हूँ, और वो गाना है दिल्ली की रात। और मैं चाहता था कि 70s में भप्पीदा का एक स्टाइल होता था उनके गाने का, और मैं चाहता था भप्पीदा से गाना गवाओ, तो अनु जी ने कंपोज किया, भप्पीदा ने वो गाना गाया। ओके, और आर डी बर्मन स्टाइल पूरा हमने रेट्रो उसका फील है पूरा दिया, एंड भप्पीदा ने बहुत ही कमाल से उसको गाया और बहुत अच्छा उन पे शूट भी किया वो गाना, जो जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो भप्पीदा वो गाना हो ही जाए फिर थोड़ा। माइक में आपको दे देता हूं, खड़ा होके गाना पड़ेगा, बैठ के नहीं मजा नहीं आता। रंग जमा देते हैं जब भी आते हैं। भप्पीदा, सिद्धू साहब मिनिस्टर बन गए, मुबारक। अरे बताना तो होता है भप्पीदा, मतलब अब तो 1990 पे ना चला जाना। तो भप्पीदा मैंने इसलिए बताया कि सिद्धू सर का एक सवाल था, कह रहे थे कि जीएसटी आने के बाद आपको कोई नोटिस वगैरह आया सरकार का? ये हमको लगा था आप यही पूछेंगे। सुनिए, जीएसटी तो जो हुआ है जी, मैं तो 40-45 years हो गया ऐसे ही गोल्ड में, गोल्ड लेके घूम रहे हैं। तो जीएसटी आया है, बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके, इसलिए मैंने गाना किया था। मधुर सर, आपकी फिल्मों के ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं बड़े चैलेंजिंग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, चाहे मैं ट्रैफिक सिग्नल की बात करूं या चाहे चांदनी बार की बात करूं, आपको मजा आता है ऐसे सब्जेक्ट्स? मुझे लगता है कि अलग अलग इशू पे, अलग अलग टॉपिक पे फिल्म बनाना, जो चांदनी बार से एक सिलसिला शुरू हुआ है जी, चाहे पेज 3 हो, कॉर्पोरेट हो, हीरोइन हो, मुझे अच्छा लगता है कि उस तरह का विषय, अलग टॉपिक, अलग लोगों को उजागर भी करता है और लोगों को समझ भी आती है कि ये एरिया के बारे में। मुझे अच्छा लगता है कि स्टोरी टेलर के नाते इस तरह की फिल्में लोगों को कनेक्ट करती है, और मेरे ख्याल से कई चीज़ें उनको सीखने मिलती है। पर बड़े ही मज़ेदार सब्जेक्ट हुए हैं, पेज 3 का तो मैं इतना फ़ैन हूँ, और जो डिटेलिंग में आपने दिखाया उसके बाद फैशन या चांदनी बार, आपकी तमाम फिल्में
और इंदु सरकार का जो ट्रेलर देखा ये भी बड़ा मजेदार लग रहा है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं सर। नमस्कार, हेलो 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 हेलो, लीजिए जरूरत से ज्यादा हेलो हमने डिलीवर कर दिया, अपने हिसाब से बांट लीजिएगा। फिर उनको हेलो, मुझे कोई नहीं। सर आपको हेलो नहीं देंगे, आप यूज कर लेते हैं। क्या करने है बच्चा? यार एक प्रॉब्लम चल रहा है सर। क्या है, हमारी जो भैंसिया है ना, एवरी डे गिविंग व्हाइट मिल्क। सर कलर में कोई वैरायटी नहीं आ रहा है। लाइफ इज बिकमिंग वेरी मोनोटोनियस। पाजी आपको पता है बच्चा पागल हो गया है। परसों अपनी मम्मी को बोल रहा था कि 15 साल से एक ही बापू, कुछ वेरिएशन लाओ। अच्छा तू कैसी बातें कर रहा है आजकल? यार आप तो सीधा हमारे पापा पे चले गए यार, उन पे तो हम ही नहीं गए। तू तू किस पे गया? हम साइकिल पे गए यार, ऑटो मिला नहीं। देखिए बड़ा मजा आ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी हैव विद अस वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर इन आवर इंडस्ट्री, मधुर भंडार। मधुर भंडार कर 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 गया। कर सारे चले गए यार, जीएसटी लागू हो गया है। नील नितिन मुकेश जी, सर देखिए आपका निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी हम रखते नहीं है, लेकिन गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी जो वाइफ है ना बहुत लंबी होंगी। ऐसे कैसे? जिसके बीबी लंबे उसका भी बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम है तो बीबी तो लंबी होगी। वैसे सर आपका कॉलेज लाइफ में भी बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि आपका गर्लफ्रेंड ऐसा अपने पापा के पास जाके बोलती होगी मुझे प्यार हो गया है नील नितिन मुकेश से। पापा गुस्सा एक से कर भाई, तीन तीन से क्यों? अच्छा कैसी बातें कर रहा है, कुछ अच्छी बात कर यार। ये लीजिए आपके लिए अच्छी, ये अच्छी बात है। कीर्ति जी, हमने आपको पिंक में देखा था, आज बेज में देख रहे हैं। लेकिन मानना पड़ेगा बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप, वंडरफुल। इसी बात पे हाथ मिला लीजिए। ये लीजिए। ये बच्चा हाथ क्यों दोबारा उनका? अरे नहीं नहीं, नहीं गलत मत समझिएगा। क्या एक राहत इंदौरी जी नाम के शायर आए थे अभी हमारे एपिसोड में, वो एक शेर अर्ज करके गए। क्या? राज जो कुछ भी हो इशारों इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ भी हो इशारों इशारों में बता भी देना, उनसे हाथ मिलाना तो दबा भी देना। उन्होंने तो ये भी कहा था कि बच्चा का गला भी दबा देना। क्या हमारे एक चाचा थे, वो भी शेरो शायरी करते थे, बहुत महान नहीं थे लेकिन एक बहुत सटीक बात कहकर गए थे। क्या? चुप। मधुर जी, एक बड़ा ही अजीब और गरीब बात है हमारे एकदम जहन में आया, इसके मतलब जानना चाहते हैं। मधुर आप हैं लेकिन गाते ये हैं, सोना इनके पास है लेकिन चमक आप रहे हैं। बातें हम आपसे कर रहे हैं लेकिन जल ये रहे हैं। आई वंडर वाई। सर वैसे आपको बताएं हमारा मेन मुद्दा आज आने यहाँ पर क्यों आए हैं हम? बोलिए। एक हमने ना बायोपिक प्लान किया है। हाँ। एक है मनुष्य के ऊपर हम एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, हमने आपको डायरेक्टर चूज किया है। क्या बात है, अपने हिसाब से तूने चूज कर लिया, उनसे पूछा? अरे सर ये तो कुछ भी देखते हैं फिल्म बनाते हैं यार उसके ऊपर। कैसे? आपको आइडिया नहीं है, पेज 3 देखते हैं, पेज 3 पिक्चर बना दिया। गाड़ी में जा रहे थे सिग्नल पर रुक के बोला ट्रैफिक सिग्नल, अरे पिक्चर बना दिया। फैशन शो में गए फैशन होते हुए फैशन पिक्चर बना दिया। अपने पैसा हीरोइन को देखे आते हो हीरोइन पिक्चर बना दिया। लेकिन सर आपने जेल के ऊपर पिक्चर क्यों बनाया? जेल तो हम गए थे। ऐसी बातें करोगे तो जेल ही जाओगे। और जनता को हंसाने के लिए ये भी चलता है यार, कर लेंगे। तो पिक्चर का है जो शुरुआत सर एक अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड से होता है। यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है
और पैदा होता ही नर्स से कहता है, क्या आपने कभी सोचा था कि हम आपके अस्पताल में पैदा होंगे? नर्स तुरंत समझ गई, चिल्लाने लगी, मुबारक हो मुबारक हो, आपके घर में सवाल जवाब पैदा हुआ है। वेरी गुड। और सेम टाइम पे दूसरी जगह पे एक और बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही 5 मिनट के बाद चलने लगता है। ऐसा कौन सा बच्चा है? भैंस का बच्चा। एक मिनट, ये भैंस का बच्चा बीच में कहां से आ गया? अब मानता ही नहीं भैंस का बच्चा, क्या करे, बीच में आ जाता है। सर ये इशारा आप हमारी तरफ तो नहीं कर रहे? लेकिन हमारा पूछ ही नहीं, आई एम सेफ। फिर क्या होता है, ये बच्चा जैसे ही थोड़ा और बड़ा होता है, लड़का अपने एक कंप्यूटर क्लास में जाता है। कंप्यूटर क्लास में जाके ये पहले ही दिन में 100 पेज टाइप कर देता है। पूछे कैसे? कैसे? इसको उंगली करने का बड़ा आदत होता है ना, तो तड़ 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 स्पीड में टाइप। समझ रहे ना आप कहानी को? हाँ समझ रहा हूँ मैं सब। अंडर करेंट जो चल रहा है, चल रहा है। फिर होता क्या, ये बच्चा अभी स्कूल जाता है, स्कूल में बहुत बातें करता है सर, बातें बातें बातें, इतना बात करता है सर, इसको किसी सामने आदमी का भी जरूरत नहीं है बात करने के लिए, पंखा से बात करता है। पंखा को बोलता है, अरे इतना गोल 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 घूमते हो, तुमको चक्कर नहीं आता है? फिर कुर्सी को बोलता है, क्या सारा दिन ऐसे बैठी रहती हो, कभी खड़ी क्यों नहीं हो जाती? पेन को बोलता है, अरे तुम इतना चलते हो, जरा जूते खरीद लो, आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी बातें करता है, इतना बातें करता है, टीचर एकदम पागल हो जाती है, कहते है लड़के भाई तुम घर जाओ, अपनी मम्मी को लेके आओ। ये घर पे जाता है, मम्मी घर पे नहीं होती है, तो अपने भाई को साड़ी पहना के ले आता है। और तब से लेके आज तक उस लड़के के साथ ऐसा ही चल रहा है। ऐसा कैसा जीवन है ये लड़के का, समझ में नहीं आ रहा हमको। आगे फिल्म में कोई गाना बनाया? अरे गाना आता है सर, ये पॉइंट के ऊपर आता है आइटम सॉन्ग। सर हम चाहेंगे कि आइटम सॉन्ग के लिए आप एक चोटी के कलाकार को चुने, जैसे कि हम। चोटी की कलाकारी हो? आइटम सॉन्ग तो कोई हीरोइन करेगी, लड़की करेगी। ओके तो हीरोइन भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये आइटम सॉन्ग कर लेंगे, आई डोंट माइंड यार। देखिए अब आइटम सॉन्ग हमारा जो फाइनल हो रहा है, म्यूजिक देंगे बप्पी दा, डायरेक्शन करेंगे मधुर भंडारकर। अच्छा सुनना चाहते हैं? छपरा से नील, पटना से नितिन और बलिया से मुकेश। तो लीजिए अब ये आइटम सॉन्ग की तैयारी हो ही जाए। आइए आइए, अरे म्यूजिक दे दीजिए थोड़ा। अच्छा फिल्म में आप इतनी सीरियस लग रही है, इधर तो पता ही। फिल्में तो सारी मुझे सीरियस मिलती हैं, अब कहीं तो जलवा करना पड़ेगा ना। क्या बात है, आगे की फिल्म का क्या हुआ? फिल्म कुछ नहीं है यार, हमारा पुत्र से शर्त लगा था कि कीर्ति जी हमारे साथ नहीं नाचेगी, हम बोले नाचेगी, बस हम तो यार इसलिए आ गए थे, ऐसा कुछ है नहीं। थैंक यू कीर्ति जी, शर्त हम जीत गए। चलिए हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं, जोक तो सुना दो। ये आप फोर्स किए हैं। सर क्या है, एक ऐसा जॉक्स का चलता है हमारा, क्या है कि सुना माहौल बनता है सर, एकदम पेश किया है। कपूर शर्मा आपको एक पार्टी पे जाना है और आप चाहते हैं कि पार्टी के सारे लोग घूर घूर के आपको अटेंशन दे, तो आप कौन सा कोट पहन के जाएंगे? कौन सा? पेटीकोट। लीजिए आज तक हमें पहना रहे थे, हमने पहना दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा खुशी हुआ आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच। दोबारा हाथ मत दबाना। अरे नहीं नहीं, ऑल राइट ब्रो, थैंक यू, मजा आ गया यार, फिर मिलते हैं। भाई मधुर सर इंदु सरकार के डायरेक्टर के साथ साथ उसके राइटर भी हैं, जैसे अभी चाय लेके आ रहे हैं ना चलते शो में, आ जाओ। ऐसे सब कुछ होता है, वैसे इन्होंने भी सब कुछ किया है, अब रख दो कोई नहीं। थैंक यू मधुर सर, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, पढ़ाई लिखाई में कहते ज्यादा आपका इंटरेस्ट नहीं था? बिल्कुल नहीं था। तो कहानी इसकी आपने खुद लिखी है? नहीं, कहानी मैं राइटर के साथ, मैं और अनिल पांडे जी मिलकर हमने लिखी। सर सडनली क्या होता है कि जब हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं, सपोज हम लोग 2017 हैं या 18 या 16 हैं, तो हम उसकी आसपास की घटनाओं के बारे में सोचते हैं, आप 40 साल पहले जाके आपने इमरजेंसी के बारे में सोचा, ये कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया था? मैंने कभी पीरियड फिल्म बनाई नहीं, मैंने जितनी फिल्म बनाई है मुंबई पे बेस बनाई है,
और काफी ग्लैमरस वर्ल्ड ज्यादा दिखाया है जी। तो मैं चाहता था एक पीरियड फिल्म करूं और खास करके 70s का एरा पकड़ूं। ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ना किसी व्यक्ति पे है, ये बैकड्रॉप इमरजेंसी का पकड़ा है। उस एरा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है पति और पत्नी के बीच में, उनकी और इनकी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये पूरी पिक्चर है। अच्छा, नील ने एक्टिंग फील्ड जो है वो चूज किया, पर सिंगिंग तो आपके ब्लड में ही है, ऐसा तो हो नहीं सकता, आप गाते नहीं होंगे। थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। थोड़ा बहुत ही आपका काफी होता होगा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। कुछ हो जाए सर हमारे दर्शकों के लिए लाइव, फिल्में तो आप करते ही हैं माशाल्लाह, करते रहेंगे। क्या बात है, गाना हो जाए। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, एक कतरा मैं का जब पत्थर के होंठों पर पड़ा, उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। थैंक यू, ब्यूटीफुल, जस्ट ट्राई, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपको नील के पूरे टैलेंट नहीं पता अभी, ये दूसरे एक्ट्रेस की मिमिक्री बड़ी अच्छी करते हैं। रियली नील, हो जाए थोड़ा सर। व्हाट शुड आई डू? यू शुड डू समथिंग एंड बप्पे मैंने सुना है कल शाम सोना है, सोना कहाँ रहे बप्पी? बहुत बहुत परफेक्ट। मुझे माफ करना ओम साईला, मुझे माफ करना ओम साईला, मुझे माफ करना ओम साईला, मुझे माफ करना ओम साईला। तुझसे पहले लूंगी बप्पी अंकल का, तुझसे पहले लूंगी बप्पी अंकल का। हेलो हेलो, मुझे पता मैंने इतना अच्छा गाया, वैसे ये बैठे हुए हैं लेकिन दिल से मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। थैंक यू अंकल। पप्पी अंकल, मैंने बहुत अच्छा गाया, मुझे पता आप बहुत खुश हैं, आप खुश हो के मुझे कुछ भी सोना दे दीजिए, लेकिन हाँ एक मिनट अंकल बिल के साथ दीजिए, क्योंकि वो BST लग रहा है ना, GST जो भी है प्रॉब्लम होती है। दिल्ली बेटा तो फिर आ गई? फिर मैं पहले आई नहीं थी, फिर कैसे आ गई? क्या मैं गेस्टों को मिली? हेलो कीर्ति दीदी, हेलो बप्पी लहरी अंकल, हेलो मधुर बनाडकर अंकल, हेलो नील, नील नितिन मुकेश अंकल, मैं थक गई। लेकिन नील अंकल, मैं आपके दादाजी की ना बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, मैंने उनके सारे नगमे सुने हुए हैं। बेटे तुम तो बहुत छोटे हो, आपने कैसे सुने हो? तू छोटे होते कान तो वैसे थोड़ी बंद होते। मैंने सुने हुए उनके नगमे, उनका एक गाना था ना वाये सुर देना वाये। सावन का महीना पवन करे शोर, अरे बाबा शोर नहीं शोर,
अच्छा सोर हाँ सावन का महीना बावन करे सोर यारा रसू मैं ऐसे जैसे मनमाना चे सोर ऐसा ही था ना बेटे चलो बाहर जा खेलो हम बातें कर रहे हैं ना हाँ तो मैंने कौन सा आपकी जीप पे पैर रखा करो बातें वैसे पप्पी अंकल मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव बच्ची हूँ मैंने अभी आपको देख के एक पोएट्री तैयार की है आपकी अगर अनुपस्थिति में मैं गा सकती हूँ वो गाइएगा मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ बेचारी डर जाएगी बाहर निकालो फ्राई करके खाते हैं नली तुझे पता है पपीता कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं तभी तो मैं उनके पास आई हूँ सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मुझे कुछ ऐसे धुने सिखा दीजिए प्लीज प्लीज अंकल मुझे आप अपना उस्ताद बना लीजिए बेटे उस्ताद नहीं शागिर्द शागिर्द उस्ताद बहुत लंबा सफर है सीधा आप मुझे अपना उस्ताद ही बना लीजिए ये बच्ची बहुत शरारती पपीता पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती अभी फेल भी हो गई थी किसने कहा मैं फेल होगी मैं पढ़ी थी वो तो पूरा स्कूल मुझे पढ़ाने में असफल रहा ललित तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आते हैं फिर किसने कहा भगवान की दया से पिछले साल आए होंगे 98 नहीं नहीं 6% आए थे ये तो बहुत कम है नहीं नहीं ठीक ही है इतने भी कम नहीं है चलो फिर कोई ऐसे सुनाओ कैसे ऐसे हाँ कैसे ऐसे मतलब निबंध सुनाओ कौन सा वाला सुनाओ दिवाली पे सुना दो दिवाली पे सुना देती हूँ दिवाली हमारी माता होती है उसके चार पैर होते हैं दो हाथ होते हैं एक पूछ होती है एक बाल्टी दूध देती है जिससे दही मक्खन पनीर इत्यादि मिठाइयाँ बनती है ये तो गाय का ऐसे सुना रही हो हाँ तो क्या हुआ मैंने क्या बोला था मेरे 6% आते हैं अंकल मैं हंसती अच्छा हूँ ना बहुत प्यारी आप भी ट्राई कर सकते हो जरा करना मेरे सर पे हाथ लगे कसम खाओ कभी ट्राई नहीं करो तो पढ़ाई से क्यों नफरत है तुम्हें पढ़ाई से वाकई बड़ी नफरत है पढ़ाई का नाम सुन के पाजी मेरा रोम रोम में आग लग जाती है जैसे 1990 का मैच सुन के आपके रोज में लगती है तुम इतनी शरारतें करती हो तुम्हारे माँ बाप कुछ कहते नहीं कुछ नहीं कहते आपस में लड़ते रहते किस पे गई मैंने फिर एक दिन पप्पी अंकल को टीवी पे गया मैं कहा इस पे गई वैसे अंकल मैं सच मेरे रोम रोम में म्यूजिक भरा हुआ है सच्ची मैं आपको फिर से कुछ सुनाऊं चाहे आपका मन नहीं कर रहा लेकिन मैं सुनाऊंगी बारी बरसी खटन गया सी खटके ले अंडा केला बारी बरसी खटन गया खटके ले अंडा केला अल्लाह बेला सजनो आयोरी अल्लाह बेला सजनो आयोरी कैसा लगा अंकल मन से तो आपका मन कर रहा कि मुक्का मारू लेकिन कोशिश है ना सच में अच्छा गाया पक्का खुल के क्यों नहीं हंस रहे फिर पक्का अच्छा गाया बहुत अच्छा गाया बेटा ए नाइस सर मधुर अंकल सब कहते हैं मधुर है एक मिनट दिखाना यार वाकई बड़े मधुर है पप्पी अंकल मैंने स्टार्ट कर लिया मैं जा रही हूँ आप कौन है भी? मैं जीएसटी जीएसटी मतलब गिरधारी शंकर टी स्टॉल वाला आप कब आए भाई साहब मैं 1 जुलाई से खैर बहुत बहुत खुशी हुई जी आप सबसे मिलके जी छोटी सी लाइफ है जी ये खुल के जीनी चाहिए मेरी तरफ देख लीजिए मेरे को पैसे की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पैसा हो तो टेंशन होती है जब पैसा ही नहीं टेंशन की
उधार जब भी मांग लो हमें मिल जाता है, बस लाइफ एंजॉय करनी है जी। तो लाइफ एंजॉय करिए चाचा जी, यहाँ क्यों आए? चाचा मेरे साथ कोई और भी आया। यार तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं चंदू चाय वाले का दादा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी। आपसे मिलकर बिल्कुल नहीं मजा आया, जाइए आप। अब बात कर रहे हैं पप्पी साहब, आपकी लाइफ जो है ना वो बड़ी ला 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 है। डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे सोना बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, पर मैं कहता हूँ 200 तोले सोना बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। और अगर मैं लड़की होता ना तो मैंने पप्पी साहब के साथ ना शादी करा लेनी थी। आपने उम्र नहीं देखी, आपके बाल आपके सफेद हो गए। हाँ तो मैं शरीफ आदमी हूँ, ब्लैक का कोई सामान नहीं रखता हूँ। और वैसे भी इनका आजकल फैशन है। फैशन तो इनकी थी। इनकी तो फिर कैलेंडर गर्ल भी थी। आए आए आए, कैसा कैलेंडर बनाया था जी आपने, सारे के सारे महीने गर्म। दिसंबर तो मैं कहता हूँ जून जुलाई से भी ज्यादा गर्म था। आपने मिल लिया सबसे? हाँ जी मिल लिया जी। फिर जाइए। ऐसे कैसे जाइए, सिद्धू साहब मिनिस्टर बने, मैंने बधाई देनी है। सिद्धू साहब बहुत बहुत मुबारक है जी आपको, आप मिनिस्टर बने, जोरदार तालियां भी इनके लिए। अच्छा आपको मैंने बधाई दी है, तालियां बजवाई है, मेरा एक छोटा सा काम भी करा दो, मेरी शादी करवा दो। मैरिज ब्यूरो थोड़ी ना खोला, टूरिस्ट मिनिस्टर बने तो किसी टूरिस्ट से करा दें, कोई बात नहीं। कीर्ति Yes. शाम को क्या कर रही हैं आप? शाम को नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिल्म की 2 टिकटें हैं। आप जाके सत्संग सुनिए ज्यादा, आप फ्रैंक क्यों हो रहे हैं इधर? नहीं नहीं, फ्रैंक मैं लॉन्ग ड्राइव में होता हूँ। अगर कीर्ति मुझे हाँ करे तो मैं तो अपनी गाड़ी भी रेडी करवा लेता हूँ, मेरे पास अपनी 2-व्हीलर गाड़ी है। आपको क्या लगता है आपके साथ स्कूटर पे जाएंगी वो? स्कूटर नहीं, मेरे पास साइकिल है। मुझे साइकिल पे बहुत मजा आता है, लेट्स डू इट। आप चला लेंगे साइकिल? नहीं नहीं, साइकिल तो इन्होंने चलाना, मैंने तो पीछे क्रॉस लेग बैठना है। कीर्ति देखो मेरी बात सुनो, ना नहीं करनी तो मैं तुम्हारे लिए ना फूल लेकर आया हूँ। उमर आपकी आशीर्वाद देने की है तुम्हें, मैंने वही देना है, हौसला रखो बस। देखो पता क्या चक्कर है, जिसका जो बनता है पाजी उसको वो दे देना चाहिए, क्या नहीं? बिल्कुल ठीक। उस हिसाब से आपको गंगा जल दें थोड़ा सा। भगवान देखो यार तुम इतनी जली कटी बातें करते हो, तुम साड़ी पहनकर किसी की जेठानी को नहीं बन जाते? चंदू जी आप जाते हैं कि मैं किसी बुजुर्ग पुलिस वाले को बुलाऊं इधर? खैर भंडारकर साहब मुझे लगता है शादी की बात ना इसने मेरी बनने देनी। चलो खैर कोई बात नहीं, ए, आप एक गाना लगवा दें यार। नहीं आपने सीन बनने देना, रोमांटिक गाना लगवा, रोमांटिक गाना लगवा दे कहीं इनके लिए गाना। और तेरी मम्मी के साथ जंग लड़ने के लिए आ रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं तुमको ठीक कर दूं, मैं अभी आ रहा हूं नारगर साहब, मैं अभी आ रहा हूं। रुको इधर आओ यार, किसने गाना लगाया है? बाहर निकलो। हमारा नेता कैसा हो, कल्ला गुलाटी जैसा हो, जब तक सूरज चांद रहेगा कल्ला तेरा चांद रहेगा। हमारा नेता कैसा हो, कल्ला गुलाटी जैसा हो। तुम लोगों को सच में सरला जैसा नेता चाहिए? अरे इन्होंने तो हमें पैसे दिए हैं, नहीं तो इनके जैसी हम गर्लफ्रेंड ना रखें। क्या बोला, जाओ भागो यहाँ से। तो हमारा पैसा? पैसा कैंसिल, भागो यहाँ से। हमारी जेब सूखी है, सरला गुलाटी भूखी है, सरला गुलाटी हाय हाय, सरला गुलाटी हाय हाय। वैसे आप सबको मेरा नमस्कार, आप अपने बहुमूल्य वोट दीजिए क्योंकि मैं इस बार चुनाव में उतरने वाली हूँ। अच्छा जहाँ 4 लोग देखे नहीं वहीं खड़ी हो जाती है। कल एक मदारी तमाशा दिखा रहा, कहती ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बंदरिया कहती, कहती दीदी आप वही तो करती रोज, क्या अभी क्या कर रही है? एक मिनट पाजी, जो मैं करती हूँ वो टीवी पे आता है? बिल्कुल आता है, पर लोग पता नहीं क्या करते हैं, हर बात न्यूज पे आ जाती है। सरला तू ऐसी थी नहीं, तुझे ये बातें कौन सिखाता है बता? हमें कोई कुछ भी सिखा दे हम वो बला नहीं। अच्छा, और हमें कुछ ऐसी आती नहीं, ऐसी कोई कला नहीं। वाह, तेरे मैं तेरे को 5 रुपए देता हूँ, 5 रुपए का कुछ और ऐसा सुना कुछ। क्यों? बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे हंस रहे हैं तभी। अच्छा, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ बच्चे के बाप को भी बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे कपूर शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन पूरे शहर में मेरी चर्चा हो रही है, पता है सब जगह मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं। नीचे क्या लिखा है वो भी तो बता। क्या? लुटेरी दुल्हन।
जी छठे फेरे पे सास के झुमके लेके भागी कानों समेत, ये लिखा है। जैसे ही दिखाई दे पुलिस को सूचित करे। देखो सूचित तो मैं तुम्हें करती हूँ, क्योंकि एक बार मैं पावर में आ गई ना तो तुम्हारी सारी की सारी बोलती बंद हो जाएगी। तो तुम देख लो मधुर सर, इसे आपकी फिल्म आ रही है ना इंदू सरकार, वैसे मैंने अपनी एक पार्टी बनाई है सल्ला सरकार। खानदान में कभी कोई चुनाव लड़ा पहले बता। ऑफ कोर्स मेरे दादाजी पाजी, मेरे दादाजी पता है उन्होंने समाज के लिए कितनी सेवा की है। वो पता है एक बार धरना में खुद जाके बैठे थे। लोटा लगे पटरी पे कौन धरना देता पाजी, ये धरने आते हैं। ये इसका ऐसा ही है, जैसी फिल्म होती है ना वैसा करेक्टर बन के आ जाती है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल के टाइम पे आए होते ना तो ये भाई का पजामा पहन के ना पोछे वाला कपड़ा लेके आ जाती। तूने अकेली पार्टी बनाई कोई और भी है? है ना, हम लोग तीन चार लोग हैं। बेड़ा अगर किससे चक्की पार्टी रख ली सात आठ लोग तो आते, तीन चार लोगों की पार्टी कौन बनाता है? अरे इसलिए तो मैं आई हूँ मधुर सर, मैं चाहती हूँ आप सब मिलके मेरा पार्टी ज्वाइन करें, फिर साथ मिलके देश की सेवा करेंगे। पहले कभी की देश की सेवा? हाँ मैं पिछले एक साल से सफाई अभियान से जुड़ी हुई हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे रोड पे जाते हुए चिप्स का पैकेट उठाना ना वो सफाई अभियान नहीं अपनी भूख मिटाई अभियान होता है। ऐसे नहीं करना है पाजी। देखो मैं एक बार अगर ये चुनाव जीत गई तो लेडीज कॉस्मेटिक्स पे तो जीएसटी लगा रहा उसको मैं कम कर दूंगी। तू जीएसटी ना कम करा, तू होट कम करा, मेन तो इधर ही लगती है लिपस्टिक ज्यादा, और क्या कम कराएगी? मैं अगर जीत गई ना मैं गरीबी कम कर दूंगी। तू तो आना कम कर दे, आधी गरीबी तो ऐसी कम हो जाएगी। ये मंदिर जाती ना नील, मैं आपको क्या बताऊं, पंडित टिका लगाता चावल वाला, चावल और केसर वाला, वो इधर लगाते ना, कहती है इधर भी लगा दो, इधर कहती इधर भी, कहती इधर भी, चारों जगह से चावल निकाल, कहती अब मटर डाल के ना मैं पुलाव बनाऊं। आप कोई एक ऐसी धुन बना दीजिए ताकि ये आदमी ना मुझे चाहने लग जाए। मैं दो लाइन सुना देता हूँ। अचार चाहिए मुझे पराठे के लिए। तुम तो लीडर बनने आई थी इधर। हाँ तो क्या हुआ, तुम ऐसी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। वैसे नील अब अगर मैं यू नो मैं नेता अगर बन गई तो आप मुझे पॉलिटिक्स पे कुछ टिप्स दी थी ना। कौन सा टिप्स? मतलब देखो दुश्मन को अगर नीचा दिखाना तो इसे भी पॉलिटिक्स कहते हैं, तो ये अलग टाइप के टिप्स है। एक बार मधुर सर, भप्पीदा, कीर्ति और नील के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच जो कवाली आपने शुरुआत में सुनी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, कई सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। ये जो इसका ओरिजिनल वर्जन था वो अजीज नजार जी ने गाया था, और जो अभी हमारा रिक्रिएटेड वर्जन है ये उनके बेटे मुश्तबा ने इसको फिर से हमारे लिए। मुश्तबा जी प्लीज हमारे साथ आइए। मुश्तबा इससे पहले कि आप गाना शुरू करें और हम उस माहौल में चले जाएं, एक सेल्फी आप सब लोगों के साथ। आइए प्लीज, आइए थैंक यू। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी है, चार रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, सनसमीन सर सेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा। आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।